प्रीति, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे उसकी चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के शुगर लिया है और इसमें अभी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे शुगर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, फिर हम इसको चलाएंगे। जब तक शुगर घुल जाएगा तो हमें इसकी चाशनी ना एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सेम इस बस थोड़ा सा हाथ में चिपक जाए उस तरीके से हमें बनानी है। और आप चाहे तो इसमें फ्लेवर के लिए केसर भी ऐड कर सकते हो और इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हम जब गुलाब जामुन बनाएंगे उसमें हम सब कुछ ऐड करेंगे, तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल बन गई है और ये बिल्कुल देखिए चिपक रहा है हल्का सा। तो इसी तरीके से हमें बनानी है और हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम मावा लिया है और अभी हम इसको अच्छे से इस तरीके से, जो ये हाथ की हथेली है इससे हम अच्छे से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे इसको, ताकि बिल्कुल हमारा सॉफ्ट सा जो डो है इसका तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हथेली में रख के आपको इस तरीके से मसलना है थोड़ा थोड़ा करके लेके, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी देर में बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाता है। हाथ की हथेली से हमने इसको बहुत अच्छे से मसल लिया है और अब हम इसको साइड में कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो पनीर। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावे में 75 ग्राम मैंने पनीर लिया है, तो इसको मैं इस तरीके से क्रश कर लूँगी। अब इसको भी हम इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल मिक्स, अब हम इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे, फिर इस तरीके से वापिस हाथ की जो हमारी हथेली उसके साथ हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, सारा बिल्कुल मिला देंगे। मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इस चम्मच के फुल भर के, आपको इसमें 4 से 5 चम्मच ऐड करना। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी कॉर्न फ्लोर, तो कॉर्न फ्लोर भी सेम हमें बिल्कुल मैदा जितना हमने डाला है सेम उतना कॉर्न फ्लोर भी हमें ऐड करना है इसमें। और इसमें हमको बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसी तरीके से हमें धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना है। ये देखिए हमने सारे मिक्स कर लिए और मैं देखिए बिल्कुल इतना मामूली सा मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ इसमें, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छे से हमारे गुलाब जामुन के डो तैयार हो गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने किशमिश, काजू, बादाम, आप चाहे तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हो, पिस्ता मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने यही लिया है, 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। और इसमें अभी डाल देंगे हम इलायची और इसी के साथ थोड़ा सा इसी में से हम जो अभी हमने मावा बनाया उसमें से हम थोड़ा सा इतना सा डो ले लेंगे और फिर उसको इसके साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इलायची आप बिल्कुल कूट के भी डाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको एक छोटा सा हमने थोड़ा सा बैटर बना लिया है और फिर छोटे छोटे इसके हम गोल बना लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम अब इस तरीके से बॉल ले लेंगे। आप को अगर साइज छोटा लेना है तो छोटा लीजिए, बड़ा लेना है तो मैं थोड़े से इस साइज में बना रही हूँ। इस तरीके से हम इसके बॉल बनाएंगे, ये देखिए
बढ़िया सा बिल्कुल बॉल गोल। और अब इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से, हम जैसे हम आलू के पराठे वगैरह बनाते जो हम भरते उसमें मसाले, बिल्कुल सेम हमें उस तरीके से बिल्कुल ऐसे बना के फिर आप अंदर से यूँ कर देना है बिल्कुल। तो और इससे क्या ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आप इस तरीके से हम बॉल रखेंगे और इसको फिर हम जैसे हम पराठे में बिल्कुल इस तरीके से हम बंद कर देंगे ऊपर से, और फिर हम इसको बिल्कुल बीच सेंटर में इसको वापिस हल्के हाथ से इस तरीके से गोल करके रोल करनी है बिल्कुल। और ध्यान रखें बीच सेंटर पे ही डालना है, साइड से ना निकले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे जो गुलाब जामुन के बॉल्स है वो तैयार है। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है हमें मीडियम गरम करना है, हाई पे नहीं रखना है और तेज आंच पे नहीं रखना, उससे गुलाब जामुन हमारा फट जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे। और ये करछे से हमें गुलाब जामुन जब हम बनाएंगे तो इसको हम इस तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल गुलाब जामुन पे हमें नहीं करना है। जिसके बॉल है वो फिर एक तरफ से सीखेंगे, दूसरी तरफ से नहीं सीखेंगे। और हमें गैस का जो फ्लेम है मैंने पहले भी बताया मीडियम पे रखना है, नहीं तो अंदर से हमारा बिल्कुल कच्चा रहेगा। और आप इस तरीके से इसको चलाते रहे, बिल्कुल यहाँ से नहीं हटना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे बॉल डालने के बाद हमारा गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे होना चाहिए। और इस तरीके से आप करछे से हमें चलाना है, बिल्कुल हमें बॉल पे नहीं लेना है, धीरे धीरे हमें इस तरीके से राउंड पे लेना है ताकि ये चारों तरफ से हमारा कुक हो जाए। और तेज फ्लेम पे ना करा, जो अंदर से बॉल है बिल्कुल कच्चा रहेगा और ऊपर से सिक जाएगा। तो आप इसी तरीके से चलाते रहें और यहाँ से हमें नहीं हटना है, इसको बार बार हमें इस तरीके से करना है ताकि चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गुलाब जामुन के बॉल है वो बिल्कुल अच्छे से बन गए हैं। और अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप इसी तरीके से बनाएं बिल्कुल धीमी आंच में, और इस तरीके से आपको चलाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गुलाब जामुन बिल्कुल मैंने प्लेटिंग कर ली है, और देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो मैं आपको एक कट करके बताती हूँ। तो आप इसी तरीके से मेरे रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।